आज रात की ट्रेन पकड़ और सुबह लाहौर पहुंच जा। फाइनली लाहौर के अंदर पहुंच चुके हैं, लाहौर जंक्शन मेन स्टेशन पे। भाई हंसते खेलते हम पहुंच गए मानसहरा। Now we are moving towards Siripae। आखिरकार इस खतरी रास्ते के बाद हम अपने डेस्टिनेशन पाए सिरी है। सिरी पहुंच, अच्छा पाए है। पाकिस्तान से लोग नारायण का गान विजिट कर रहे हैं। अरे भाई साहब वीडियो बन रही है यार, क्या कर रहे हम? कहाँ पे थे अभी? पाए पे थे। हाँ। तो पाए से वापसी पे सीरी पे आने का इरादा कोई नहीं था, क्योंकि नीचे अपने रूम की तरफ हम मूव कर रहे हैं। आज का डे एंड, फिर बाकी कल से शुरुआत होगी। वेलकम बैक गाइस, कल मैंने आपको कमरा वहाँ। हाँ, ये हमारा कमरा है भाई। ये ऊपर कपड़ा लगा हुआ है, इसके ऊपर क्या कहते हैं हार्ट टाइप है और प्लाई, सॉरी। तो ये विंडो है जिसकी कोई विंडो नहीं है, बस जाली है, ग्लास नहीं है यहाँ पे। भाई यही सीन है ना? हाँ यही सीन है। डायरेक्ट अब नारायण आएगा, पहले नारायण रुकना है, नारायण रुक के फिर बाबू साहब डॉक्टर। यहाँ के एक्चुअली सीन चल रहे हैं। जवाहर साहब, घर साहब को कहना चाहें? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे हॉस्टल के सामने एक बहुत ही पहाड़ का HD सीन है, तो अगर बिल्कुल हमारे पीछे अगर आपको मैं दिखा सकूं तो वो वहाँ पे एक नदी आपको नजर आ रही है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ से उतरने के लिए हमें इस पहाड़ को नीचे उतरना है, लेकिन इस वक्त हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम सीधा नारायण की तरफ निकल रहे हैं। पहुंच चुके हैं कागान वैली। यहाँ पे हमारा स्टे का कोई सीन नहीं है। चश्मे का सीन आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बड़ा ही HD और कमाल का सीन है। अब मैं इसको आपका पानी का HD होने का सीन भी दिखाता हूँ, कितना साफ सुथरा पानी है। चले फिर आगे चलते हैं, टाइम कम है। पहुंच चुके हैं नारायण वैली, जहाँ पे सिर्फ हमारा नाश्ते का सीन है, मतलब स्टे नहीं है। इंशाल्लाह वापसी में यहाँ पे करेंगे। ये मेरे लेफ्ट पे हैं मलिक साकिब दिल्ली ऑयली साहब, ऑयली साहब दिल्ली। और जी मेरे राइट पे हैं जनाब मोहम्मद गैरियार। तो यहाँ पे लंगर पानी करते हैं, फिर आगे का बाबू सर्कल टॉप है, फिर वहाँ पे आपको लेके चलते हैं। ये नारायण का शहर है, बड़ा ही HD और कमाल का शहर है। पीछे यहाँ का सबसे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है, जहाँ के हम बिल्कुल भी रुक रहे हैं भाई, खर्चे की कमी है। लस्सी आ गई है हमारी नारायण में, ठंडी इलाके में ठंडी लस्सी। चेंज करो भाई, चेंज करो। मेरी वोट का बड़ा गई है। चुके हैं लुलुसर लेक के ऊपर। पानी का टेम्परेचर माइनस में तो होगा ही, जितना ये ठंडा महसूस हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं बहुत ही HD पानी में पत्थर के ऊपर खड़ा हूँ। ये पत्थर चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, देख सकते हैं आप। ये एक कागज का टुकड़ा है जो कि पानी के अंदर पड़ा हुआ है, मेरा हाथ पहुँच नहीं सकता, एक्सेस ठंडा बहुत है और थोड़ी सी डेप्थ है, तो ये पानी इंतहाई HD है। हमने एक स्टेप लेने की कोशिश की है, बल्कि क्वेश्चन की स्टेप ले लिया है, रिस्की स्टेप था। स्टेप लगा रहे हैं। हमने मोबाइल के ऊपर इंस्टॉलेशन करके उसको पानी के अंदर अंडर वाटर सीन लेने के लिए भेजा है। गहरी वाटर में, गहरी वाटर
मोबाइल नहीं, ड्रोन है हमारा, बहुत पैसे खर्चे हमने, बड़ा रिस्की काम लिया, कह रही अंदर जाता हुआ दिखाई ज्यादा। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, शराब। पहाड़ों के दरमियान लुलुसर लेक और एक कप चाय, सो पीसफुल। वापिस जा रहे हैं, बारिश हो रही है, चढ़ाई कर रहे हैं, गेटू की चढ़ाई आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लुलुसर लेक का व्यू देख लिया, बहुत सांस चढ़ा हुआ यार, चढ़ाई चढ़ गया, बाकी बहुत सांस चढ़ गया, ठंड बहुत पीक लेवल की थी, साथ में बारिश भी शुरू हो गई थी, माइनस 13 डिग्री टेम्परेचर था, माइनस 432 था यार, नहीं नहीं इतना ही था, हम चांस हो गया। तो अभी आगे फिर वापस जा रहे हैं, तो चलते हैं साथ। क्रिकेट लवर्स आर एवरीवेयर इन पाकिस्तान। फाइनली हम बाबूसर टॉप पे पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे सीन बड़े ही एचडी है, एचडी इस हिसाब से कि यहाँ पे ठंड बहुत है, पीक लेवल की ठंड है। मेरे साथ हैं गुरु जवाहर साहब, हमने रजाई ली है, जैकेट अलग पहनी है, बाबूसर टॉप के ऊपर यहाँ सर्दी का लेवल इतना है कि बर्दाश्त से बाहर है। बस अब क्या बताएं आपके सामने ये हालात, गुरु जवाहर साहब ने क्या प्लग पहनी है, पठानों वाली, पठानों के साथ बड़ा ही गहरा वास्ता है इनका। टॉप पे पहुंचते ही ये चाय और चिप्स का फ्राइज का सीन बना है, बोरा के ग्रस है, ये ग्रस भी है, नहीं ये आप देखें, आप गौर से देखें, बोर इतनी सर्दी में इसके बगैर गुजारा बिल्कुल नहीं है, तो ये खाएंगे थोड़े से गर्म हो जाएंगे। जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, और पीछे को छोड़े आप ऊपर भी देख सकते हैं कि उनको ज्यादा जुनून आवदे है, हमारे पीछे सारा बाबू सर टॉप नजर आ रहा है, ये आप देख रहे हैं, वो टॉप जहाँ मैं यार गहरे साथ बैठी हुए हैं, और हम इस टाइम इतनी ठंड है यहाँ पे, इतनी ठंड है कि आपके पीछे आप देख सकते हैं कि सारा, आप बैठ जा नीचे, बैठ पीछे बैठ जा, हाँ तो ये देखे पीछे सारा बाबू सर टॉप टॉप है, हम टॉप के भी टॉप के ऊपर खड़े हुए हैं, 14,000-13,000 समथिंग फुट है। उसे टॉप से वापसी हो गई है हमारी, बहुत ठंड थी पीक लेवल की, मतलब इतनी ठंड थी कि इतनी हमारे लाहौर में या हमारे बाकी शहरों में सर्दियों में इतनी ठंड नहीं आती जितनी यहाँ समर में इतनी ठंड है। बताओ भाई कैसा लगा? बहुत ज्यादा ठंड, बहुत ज्यादा ठंड। ये आप गाड़ी की लाइटें देख रहे हैं, ये अमूमन ये अच्छी चीज की अलामत नहीं होती, अमूमन ये तब लगाते हैं जब बंदे रास्ता भूल जाते हैं, जब गाड़ी की फट जाती है, तो दो ऑप्शन ऑप्शन में हम जा रहे हैं इस टाइम। तो गाड़ी हमारी फाइनली खराब हो चुकी है, फाइनली ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लग रही, क्योंकि लेदर हीटअप हो चुके हैं, तो हम यहाँ पे दो दिन पठान आए हैं, माशाल्लाह बहुत हॉस्पिटेबल थे, तो उन पठान भाइयों ने हमें ऑफर कराया कि हम उनके साथ चले, तो लेकिन हम जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे, डील की हुई है, तहिया किया हुआ है, उनके अकॉर्डिंग 20-25 मिनट स्टे करें, लेदर जब ठंडे हो जाएंगे तो गाड़ी हमारी ब्रेक। और आप लोगों को हमारा पुराना डायलॉग तो याद ही होगा कि डोलेंस लिया तो बात बने, जैसा कि हमने आपको अपनी मुश्किल से आगाह किया कि हमारी गाड़ी खराब हो चुकी थी, और आप ये भी जानते हैं कि अल्लाह ताला हर मुश्किल में एक खिजर को भेजता है, तो अभी दो और पठान भाई हैं, उन्होंने हमें ऑफर कराई के साथ ही उनका गेस्ट हाउस है, वहाँ तक वो हमें लेके जा रहे हैं, और वहाँ पे ड्यूटी है सर्विस हमारी, और उन्होंने अखलाकी का चुनाव चेक करें, उनका हमारी अखलाकी ड्यूटी है कि आपको सर्विस प्रोवाइड करें, और अल्लाह उनको हमेशा खुश रखे, तो वहाँ तक हम जा रहे हैं गाड़ी को जैसे कैसे लेकर, वहाँ पे हम स्टे करेंगे, और वो हमारी गाड़ी की मेंटेनेंस या रिपेयर में भी हमारी हेल्प करेंगे। हम उस पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ पे वो हमारे भाई हमें लाना चाहते थे, वो हमारी गाड़ी, हाँ वो हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, तो सुबह तक का हम वेट करेंगे, यहाँ पे स्टे है हमारा, तो स्टे के बाद हम निकलेंगे और सुबह इसको रिपेयर कराएंगे, अगर रिपेयर हो सकी, या मतलब हो सकने का मतलब ये कि शायद ठंडी होने के बाद बिल्कुल सेट हो जाए। ये हमने रूम ले लिया है जैसा कैसा भी है, अब यहाँ पे हम सोने लगे हैं, हमारा डे आज फाइनली कंप्लीट हो गया है। हम कहाँ कहाँ से हैं? नरान वैली, और नरान के बाद बाबूसर टॉप, लुलुसर लेक, और उसके बाद ये आखिरी पॉइंट है, यानी कि बाबूसर टॉप से नीचे उतरने के बाद जहाँ पे हम अपने मसले से आपको आगाह कर ही चुके हैं। तो फाइनली आज हमारा सेकंड डे, सेकंड नाइट है, तो ये एंड हो रहा है, तो अभी सो रहे हैं, गुड नाइट। Thank you.
है।